एक ये तवील क्वेश्चन है लेकिन मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ कि और ये बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन ताकि ये बात समझें। ये एक क्वेश्चन एक बहन ने पूछा, वो कहती हैं कि मैं एक जौजा हूँ और मेरे शोहर मुझे ये कहते हैं कि जब तक शोहर बीवी से खुश ना हो औरत जन्नत में नहीं जा सकती। अच्छा, अब वो करते ये हैं मेरे शोहर कि मुझे वो कभी मुझसे खुश ही नहीं रहते क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैं जन्नत में चली जाऊँ। तो लिहाजा उसमें उन्होंने जो कहानी लिखी है पूरी वो ये कि हर काम में मेरे नफ्स निकालते हैं, मुझे बात बात पे झूठा साबित करते हैं। अगर मैं नमाज़ पढ़ने भी लगूँ तो कहते हैं पहले मैं नमाज़ पढ़ूंगा फिर तुम नमाज़ पढ़ोगी, और वो कहते हैं कि अगर मैं खुश हो गया तो तुम जन्नत में चले जाओगी। तो वो कहती हैं कि क्या अब मेरी जन्नत में नजात और मेरी नजात और जन्नत में दाखिला क्या ये शोहर की रज़ा पर ही मौकूफ़ है? इसको खुश करने पर मैं जो फ़राइज़ पूरे कर रही हूँ और जो मैं नेक अमाल कर रही हूँ उनकी कोई अल्लाह की बारगाह में कदर व कीमत नहीं है, इसका क्या जवाब है? देखें, एक तो मीठा मीठा शिकवा में अर्ज़ कर दूँ कि हमें दीन की ABC नहीं आती, लेकिन जहाँ अपने मतलब के मसाइल निकल रहे हों वहाँ पर हम पूरे दीन के अंदर गर्क होने की कोशिश करते हैं और उसमें भी अक्सर ठोकर खाते हैं। वैसे दीन कभी याद नहीं आएगा, लेकिन अगर मेरी विरासत कोई दबारा होगा तो मुझे दीन याद आएगा। वैसे माँ बाप अपने औलाद को दीन नहीं सिखाएंगे, लेकिन औलाद बदतमीज़ी करे या माँ बाप को पैसा ना दे तो फिर माँ बाप को दीन बहुत याद आता है। बहू को कभी दीन याद नहीं आएगा, लेकिन सास ज्यादती करे तो वो पूछेगी मुझसे मेरा क्या शरई तौर पे हक है। यही शोहर बीवी का मामला और यही सासों का मामला है कि बहू पर क्या क्या चीज़ें फ़र्ज हैं, क्या वाजिब, उसी वक्त पूछेंगे कि जब उनको किसी उनके मफादात पर ज़रब लग रही होगी। तो ये हर एक के साथ नहीं होता, लेकिन अक्सर होता है, क्योंकि मेरी तो ये फील्ड है, 30 साल हो गए काम करते हुए, कि हम वहीं पर दीन की तरफ माइल होते हैं या दीन को फोके देते हैं जहां अपना कोई फ़ायदा निकल रहा हो या फ़ायदा हासिल करना मकसूद हो। अब जैसे ये शोहर नामदार, ये इस बात का मफहूम कि शोहर खुश होगा तो औरत जन्नत में जाएगी वरना नहीं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप बीवी को हमेशा उससे नाराज़ रहें, उसकी हर चीज़ में ऐब निकालें ये साबित करने के लिए कि मैं खुशी नहीं हूँ, जब खुश नहीं हो तो तुम जन्नत में जा सकती, लिहाजा मजीद मेरी खिदमत करो। ये इमोशनली ब्लैकमेलिंग सख्त गुनाह है। खुश करने का बस मफहूम यह है कि औरत शोहर की नाफरमानी ना करे, यानी अगर वो जिस्मानी ताल्लुक के लिए बुलाए तो बिल्कुल मना ना करे, और बाकी ये कि किसी भी तरीके से उसको हर्ट ना करे, बदतमीज़ी करना, लहजा सख्त रखना या ऊँची आवाज़ में बात करना या शोहर को मारना पीटना या कोई एहसान किया तो एहसान जताना, बस ये बस चीज़ें हैं। यानी शोहर को किसी तरीके से अपने अमल से, बुरे अमल से नाराज ना करें। बाकी ये कि हर तरह खुश रखने की कोशिश करना, उसमें अपने आप को पूरा ख़त्म कर देना, इसका शरीयत की तरफ से कोई मुतालबा नहीं है। मैं बारह आपको मसले बता चुका हूँ कि औरत पर घर का काम करना भी वाजिब नहीं है, ना शोहर के हाथ पाँव दबाना, ना उसकी चाय बनाना, ना उसका खाना बनाना, ना कपड़े इस्त्री करना, ना झाड़ू पोछा करना। हाँ, अगर औरत करे तो बहुत अच्छी बात है। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये सब काम अपने हाथ से करती रही हैं, लेकिन शरीयत ने वाजिब करार नहीं दिए। तो खुलासे कलाम ये है कि आपके शोहर जो इस वक्त किरदार अदा कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, और जितने शोहर हजरात मेरी बात को सुन रहे हैं, आपको अल्लाह ताला ने अगर हाकिम बनाया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक बुरे हाकिम बने और बीवी को एक नौकर समझें या उसको पाँव की जूती समझें या उसको मतलब एक इमोशनली ब्लैकमेल कर करके और अपने मतलब के उसमें। तो आपको ये हदीस याद आ गई या ये रिवायत या सुना हुआ कौल याद आ गया कि शोहर खुश ना हो तुम जन्नत में नहीं जाओगी, और ये नहीं आपने सीखा कि अल्लाह ताला खुश ना हो तो आप कैसे जन्नत में चले जाएंगे, या आप जो कर रहे हैं वो अल्लाह की नाराज़गी, उसके रसूल की नाराज़गी वाले काम हैं या नहीं है। तो खुलासा कलाम ये है कि औरत को चाहिए कि शोहर की कोई नाफरमानी ना करे, जो शरीयत के दायरे में रह के हुक्म है ठीक है मान लें, और कोई बदतमीज़ी नहीं होनी चाहिए, शोहर को किसी तरह उसकी दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए। बाकी ये कि आप काम करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, और बिल्कुल ब्लैकमेल होने की ज़रूरत नहीं, ना शोहर को करना चाहिए। बीवी अच्छा है, खिदमत करे, बहुत अच्छी बात है, हमारे घर वाले पूरा काम करते हैं, सब का अक्सर घरों में ऐसा ही होता है, लेकिन कोई हमारे यहाँ ज़बरदस्ती नहीं होती है, काम किया तो हम एहसान मानेंगे, ये चीज़ होनी चाहिए। आपके शोहर जो अभी कर रहे हैं या इस किस्म का कोई भी शोहर मेरी बात सुन रहा है, गुस्सा तो बहुत आएगा कि ये क्या, अगर बीवी भी सुन रही होगी ना साथ में तो और परेशान हो जाएंगे कि मैंने जो इतने अरसे से किसी को गलत बात कह के काबू में किया हुआ था, आज तो ये बेकाबू हो जाएगी मुफ्ती साहब की बात सुनकर। तो वो आइंदा कहेगा अकाम शरीयत ही ना देखो, क्योंकि हमारा ठेका चलना चाहिए। लेकिन ये नहीं सोचते कि अगर आपने हमारे प्रोग्राम से कुछ सीख लिया और अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ली तो जन्नत का रास्ता आसान होगा। अगर प्रोग्राम नहीं देखेंगे, सीखेंगे नहीं, तो क्या मतलब अल्लाह ताला आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ढल कर हर चीज़ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक अता करेगा? ये कहाँ से आपने सीख लिया? नतीजा निकलेगा कि आप इस्लाह कबूल नहीं कर रहे, इस्लाह वाली तमाम ज़राए असबाब आपने ख़त्म कर दिए, अब जब आप मरेंगे तो पता चलेगा कि आपने तो जुल्म 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 किया था।
किसी की बच्ची को इस तरह बार बार डिसहार्ट करना ये किस तरह जायज़ हो सकता है, किसी की बेटी के साथ ऐसा मामला करना कैसे जायज़ हो सकता है। अगर यही तर्ज अमल जो आप इख्तियार कर रहे हैं आपका दामाद आपकी बेटी के साथ करे या आपका बहनोई आपकी बहन के साथ करे और उसको बार बार उसका खून खुश्क करता रहे, उसे जहन्नम की वईदें सुनाता रहे, उससे बेजा खिदमतें लेता रहे, तो फिर आपके कल्ब की कैफियत क्या होगी? तो बस जैसे अपनी बेटी और अपनी बहन के लिए आपके जज्बात हैं, ऐसे ही अपनी जोजा जो किसी की बेटी किसी की बहन है उसके लिए भी होने चाहिए। तो मेरा मशवरा ये होगा कि दीन सीखें खुदारा कि मेरे कितने फ़राइज़ हैं और मुझ पर कितने फ़राइज़ हैं, और इसी तरह बीवी को भी सीखना चाहिए ताकि कोई भी गलती ना करे। लेकिन बहरहाल यहाँ पे शोहर जो है बहुत ही गैर मुनासिब रवैया इख्तियार कर रहे हैं, और जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि अगर बीवी फरमा बरदार है तो उसके नेक अमल और अपने फ़राइज़ की तकमील इंशाल्लाह उसके निजात के लिए काफ़ी हैं।